आप सबको डॉक्टर रजनी रमण झासा आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने प्रारंभ किया है संधि प्रकरण में, गुण संधि पढ़ रहे हैं आदगुण से, और इसके बाद हमने वृद्धि संधि भी पढ़ी है। तो अब दोनों के संभावना दोनों की होने पर कौन सा होगा, यह भी हमने उपैति उपैधते और उपैति और उपैधते में पढ़ा। अब इसके साथ इसके बाद हम पढ़ रहे हैं पृष्ठौहा। पृष्ठ नामक वस्तु को जो उठाने वाला है और उसको उससे संबंधित जो होता है उसको पृष्ठौहा कहते हैं। तो इसमें क नंबर पर है पृष्ठ जमा ऊहा, पृष्ठ ऊहा। तो पृष्ठ के अंतिम में क्या है, अ है, पृष्ठ अ, और ऊहा में क्या है, ऊ। तो अ और ऊ मिलके क्या बनाएंगे, तो आदगुण सूत्र कहता है कि अ के बाद यदि ई ऊ हो तो उसको गुण एकादेश हो जाए। यानी कि पृष्ठ का जब अ है और ऊह का ऊ है तो दोनों मिलके गुण बनाएंगे तो ओ होगा, तो पृष्ठोह होगा, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि शब्द क्या है, पृष्ठौह। तो यहाँ एक सूत्र जो कल भी हमने पढ़ा था और आज भी हम देखेंगे वह यह है, वह एत्ये धत्युट्सु, एत्ये धत्युट्सु। यह क्या कहता है कि एति हो, एदते हो और ऊठ हो, ऊठ। तो यह ऊह जो है वह ऊठ से ही बना है। ऊह किससे बना है, ऊठ से। तो एत्ये धत्युट्सु, ऊह ऊठ से बना। तो अब यह कह रहे हैं कि यदि अ के बाद ऊठ है तो अ और ऊ मिलके गुण न बनाएंगे, वृद्धि बनाएंगे। फिर से समझिए, पृष्ठ के अंत में अ है और उसके परे ऊह का ऊ है तो अ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। आदगुण सूत्र से गुण बना लेंगे, गंगा जमा उदकम गंगोदकम गंगोदकम था। तो यहाँ यदि ओ बनाएंगे तो रूप बनेगा पृष्ठोह, जबकि रूप है पृष्ठौह, औ औ है। तो जाहिर बात है कि कुछ और लाना पड़ेगा। तो क्या है, तो वो कहते हैं एत्ये धत्युट्सु सूत्र कहता है कि एति हो, एधते हो, वो हम पढ़ चुके। अब तीसरी बात ये कहता है, यह सूत्र कहता है कि ऊठ हो यदि, बडाऊ दीर्घऊ और हलंत ठ, तो ऊठ हो, तो यहाँ जो ऊह है वह ऊठ से ही बना है। ऊह किससे बना है, ऊठ से। तो ऊठ का यदि ऊ है तो अ और ऊ के स्थान पर गुण न होकर वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ ऊह का ऊ जो है वह ऊठ का है, अपृष्ठ का अ और ऊह का ऊ, अ और ऊ मिलके गुण नहीं बनाएंगे, वे वृद्धि बना लेंगे। सूत्र है एत्ये धत्युट्सु। तो अब वृद्धि जब बनाएंगे तो अ और ऊ मिलके वृद्धि, वृद्धि तीन है, कौन कौन से ध्यान करिए, आ ओ आ आई और औ, आ आई और औ। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ का उच्चारण स्थान तालु ओठ है, तो औ औ होगा, क्यों, औ कंठोष्ठ है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो क्या हुआ, औ। औ क्यों हुआ, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ मिलके कंठोष्ठ हो गया।
तो औ होगा कंठोश स्थानांतर तम से, तो अब क्या हो गया पृष्ठ, पृष्ठ का हलंत हो गया क्योंकि अ मिलकर औ में चला गया और उह का उ भी मिलकर औ में चला गया, तो पृष्ठ औ हह मिला देने पर पृष्ठ हह, मिला देने पर क्या बना पृष्ठ हह इति सिद्धम। इस तरह से सिद्ध किया है इसको, देखिएगा भेजा हुआ है आपके पास। अब इसके बाद है अक्षौहिणी, अक्षौहिणी सेना होती है। अक्षौहिणी सेना में क्या होता है कि रथ होते हैं, हाथी होते हैं और पैदल सैनिक होते हैं, और रथ हाथी घोड़े, तो चार तरह की सेना होती है। उनकी संख्या बताई गई है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, अभी आप ये ध्यान करिए कि अक्षौहिणी सेना क्या मतलब अक्षौहिणी कैसे बना। तो अक्ष प्लस उहिनी, अक्ष जमा उहिनी। अब अक्ष का अंतिम अ है और उहिनी में उ है, अ और उ मिलके आदगुणा से गुण एकादश ओ बनाएंगे तो अक्षौहिणी बनेगा। तो अक्षौहिणी तो शब्द नहीं है, शब्द है अक्षौहिणी औ। तो अब क्या होगा, तो कहा कि एक वार्तिक है कि वो कहता है कि अक्षादुहिन्याम, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, कि अक्ष के बाद यदि उहिनी है तो अ और उ के स्थान पर, अ और उ के स्थान पर गुण न होकर वृद्धि होगी। अक्ष के बाद उहिनी है, अक्ष का अ और उहिनी का उ मिलके गुण नहीं बनाकर अब वृद्धि बनाएंगे, तो जब वृद्धि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा औ। अ कंठ है, उ ओष्ठ है, तो इसकी वृद्धि क्या होगी कंठोष्ठ यानी औ, औ है कंठोष्ठ, हो दो तो कंठोष्ठम ऐसा कहा। तो यह औ हो गया, तो क्या बना अक्ष हलंत औ हिनी, अक्ष हलंत औ में चला गया और उहिनी का उ भी औ में चला गया, दोनों मिल गए तो अक्ष औ हिनी, मिला देने पर बना अक्षौहिनी। और ये जो न है नल वाला न जिसको हम बोलते हैं त थ द ध न, वो जो नल वाला न है त थ द ध न, नकुल वाला न है, वह उसको ट ठ ड ढ ण ण हो जाएगा, ण रसाभ्याम नो नो ण समान पदे एक सूत्र होता है, उससे इसकी आवश्यकता नहीं है, सीधा न को ण करना है और क्या बन जाएगा नी, नी का णी हो गया अक्षौहिणी। इस तरह से क्या सिद्ध हो गया अक्षौहिणी। अक्ष का अंतिम अ, उहिनी का उ, अ और उ मिलके गुण होना था आदगुणा सूत्र से, लेकिन कहा कि अक्ष के बाद उहिनी है तो अक्ष का जो अ है अंतिम और उहिनी का उ दोनों मिलके गुण न बनाकर वृद्धि बनाएंगे, तो अ और उ ने मिलके वृद्धि बनाया। सूत्र वार्तिक है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, उस वार्तिक से इसको औ हो गया, अक्षौहिनी हो गया, अक्षौहिनी होने पर न कर्ण हो गया, तो इस तरह से अक्षौहिणी ये हो गया। अब इसके बाद है प्रौहः, इसके बाद क्या है प्रौहः, प्र प्लस उहः, प्र जमा उहः। तो यहाँ पर प्र का अंतिम अ है और उहः का उ है, तो अ और उ मिलके क्या बनाएंगे, अ और उ मिलके क्या बनाएंगे गुण, गुण एकादेश को आदगुण सूत्र से। किंतु एक वार्तिक है वह कहता है कि यदि प्र के परे ऊह हो, ऊढ़ हो, ऊढ़ी हो, एश हो, ऐश हो, एश हो और एश्य हो, तो गुण न होकर वृद्धि हो जाए। अभी अपने पास ऊह है तो प्र के परे ऊह है, प्राद उहो ढो ढे शई शेषु, यह है सूत्र, प्राद उहो ढो ढे शई शेषु, यह वार्तिक है। इससे प्र का जो अ है
वह ऊह के ऊ से मिलके गुण न बनाकर वृद्धि बनाएगा। तो वृद्धि जब बनाएगा तो प्र और ऊ मिलके क्या बना लेंगे, औ, जैसे अभी तक बनाते आ रहे हैं औ। तो क्या हो गया, प्र औ हह, प्र हलंत, क्योंकि अ में चला गया प्र औ हह, अब मिला दिया तो औ मात्रा के रूप में चला गया प्रऊ हह, इस तरह से रूप सिद्ध हो गया प्रऊ हह। इसके बाद प्रौढ़, उसके बाद क्या है प्रौढ़, प्रौढ़ क्या कहता है, प्रौढ़ कहता है कि प्र प्लस ऊढ़, प्र जमा ऊढ़। फिर उसी तरह से प्र का जो अंतिम अ है वह ऊढ़ के ऊ से मिलकर, ऊढ़ के ऊ से मिलकर अ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, आदगुण सूत्र से गुण एकादेश बनाएंगे, गुण एकादेश क्या ओ, तो प्रौढ़ हो जाएगा। तो प्रौढ़ तो होता है नहीं, प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ प्रौढ़ बड़ा परिपक्व। तो अब कहा वही जो वार्तिक हमने पढ़ा, क्या कहा कि प्रा दुहो ढो ढे शेषु, ये वार्तिक क्या कहता है कि प्र के परे यदि ऊह हो या ऊढ़ हो या ऊढ़ी हो, एष हो या एष्य हो, तो अ और ऊ के स्थान पर गुण न होकर वृद्धि हो जाएगी। तो प्र का जो अ है वह ऊढ़ के ऊ से मिला, तो अ और ऊ जो गुण होना था अब वो वृद्धि हो गया। तो वृद्धि क्या होगा, अकंठ का है आपको बताया है, और ऊ क्या है, ओष्ठ का है, दोनों मिलके कंठोष्ठ हुए, तो कंठोष्ठ है औ, तो औ होगा वृद्धि, औ है ना, आ आई और औ वृद्धि है, तो औ वृद्धि हुई, तो क्या हो गया प्र औ ढह। अब मिला देने पर क्या हो गया प्रौढ़, इस तरह से प्रौढ़ रूप की भी सिद्धि हुई। अगला रूप है प्रौढ़ी, उसी तरह से हम ले लेंगे प्र प्लस ऊढ़ी, प्र प्लस ऊढ़ी। अब प्र का अ और ऊढ़ी का ऊ दोनों मिलके आदगुण सूत्र से क्या बना रहे थे, गुण एकादेश, लेकिन प्र के परे ऊढ़ी है तो प्राद हो ढो ढे शै शेषु। वार्तिक ने क्या कहा कि अ प्र के परे ऊढ़ी हो तो अ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऊ क्या कहते हैं, मतलब गुण न बनाकर क्या बनाएंगे, वृद्धि बनाएंगे। तो अ का है कंठ और ऊ का ओष्ठ है, तो कंठोष्ठ यानी औ होगा, औ वृद्धि में आ ऐ और औ है ना, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। तो अ कंठ हो गया, ऊ ओष्ठ हो गया, तो ये जब भी बनाएंगे तो कंठोष्ठ बनाएंगे, तो वह औ है, वह वृद्धि कौन सी है, औ। तो हो गया प्र औढ़ी बराबर प्रौढ़ी, ये सिद्ध हो जाता है। तो मैंने क्या किया है कि प्रौढ़ की सिद्धि तो बताई है, प्रौढ़ी की मैंने सिर्फ वो जो 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 रूप बनेंगे प्र प्लस ऊढ़ी और प्र औढ़ी बराबर प्रौढ़ी यह बताया है, शेष जो है वो आपने स्वयं करना है, प्रौढ़ को देखकर करना है, जैसे प्रौढ़ है वैसे ही प्रौढ़ी है, प्रौढ़ की सिद्धि जैसे होती है वैसे ही प्रौढ़ी की सिद्धि। तो इस वार्तिक से अभी तक हमने देखा कि प्रौह बना, प्रौढ़ बना और प्रौढ़ी बना, और पहले जो अक्षोहिणी था वह अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम वार्तिक से बना, यानी ये सब क्या कर रहे हैं कि जो गुण होने चाहिए थे पृष्ठ ऊह में अ और ऊ का गुण होना चाहिए था, लेकिन उसकी वृद्धि हुई एते धत्युटसु से, अक्षोहिणी में अक्ष उहिनी में गुण होना चाहिए था अ और ऊ का, लेकिन वह वृद्धि हुई अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम से,
उसी तरह से प्रौह प्रौढ़ और प्रौढ़ी में प्र उह प्र उढ़ प्र उढ़ी में गुण होना चाहिए था, लेकिन प्रादुहो ढोढ़े शेषु वार्तिक से वृद्धि होकर प्रौह प्रौढ़ और प्रौढ़ी रूप की सिद्धि हुई। आगे हम देखेंगे फिर इसको। धन्यवाद।